কাইলৈ মহাশিৱৰাত্ৰি। সমগ্র দেশৰ লগতে অসমতো হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ লগতে জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে শিৱভক্তসকলে দেৱাতি দেৱ কৈলাশপতি শিৱক আৰাধনা কৰিব। মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে তিনিচুকীয়াৰ শিৱধামত বিশালকায় শিৱৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে শিৱধামৰ কৰ্তৃপক্ষই। শিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ শিৱধামত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ শিৱভক্ত উপস্থিত হৈছেহি। 8 মাৰ্চৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈকে তিনিদিনীয়া বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে মহাদেৱৰ আৰাধনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শিৱধামত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা শিৱভক্তসকলৰ পূজা অৰ্চনাৰ বাবে কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা শিৱধামৰ দুৱাৰ মুকলি থাকিব বুলি শিৱধামৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে জানিবলৈ দিছে। ইয়াৰোপৰি ভোলানাথ ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ্থে আটকধুনীয়াকৈ শিৱধামৰ প্ৰাংগণত পাৰ্কত বহিবৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই। অন্যহাততে শিৱধামৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে মেলা। এই মেলাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা বিপণী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ইতিমধ্যে মন্দিৰৰ মেলা অনুষ্ঠিত হোৱা স্থানসমূহত ভিৰ কৰিছেহি। শিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰাক্ষণত মন্দিৰৰ চৌহদত বিভিন্ন ৰং বিৰঙী লাইটে শিৱধামৰ পৰিৱেশ ৰঙীন কৰি তোলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ভক্ত পৰ্যটকে উপস্থিত হৈছেহি এতিয়া কৈলাশপতি শিৱৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ। গাঁওখন খগ্ৰনিচাৰ পাটোৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ধুবুৰী। আৰু আমি ইয়াতে তিনিচুকীয়াত আহিছে, আমি শিৱ বাবাৰ মেলাত আহিছোঁ। ভাল লাগিছে, আগতেও ভাল লাগিছে, এতিয়াও ভাল লগাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম নহয় আৰু আগতেও আহিছে, 2-3 বাৰ 4 বাৰ আহিছোঁ আৰু কি, এতিয়াও আহিছোঁ মানে বাবাৰ ওচৰত। আমি আহিছোঁ 4.5 দিন আহিছোঁ আমাৰ ওচৰৰ পৰা। আমি যিখিনি কিবা মন্দিৰ দোকান কিবা আমি মানে হাতৰ আঙুলি व्यापक रूप से तैयारी चल रही है और तैयारी के अंतिम चरण पे हैं हम लोग। जैसा कि मैं बता दूं सभी नगरवासियों को कि प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी जो है महाशिवरात्रि का पर्व हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और इस बार तो विशेष रूप से मंदिर को सजाया भी गया है लाइटिंग इत्यादि से भी, भगवान शिव में फुहार इत्यादि, झरना इत्यादि और जो भी लाइटिंग है बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। मेला तो आयोजन हर वर्ष भी होता है, इस वर्ष खूब धूमधाम से मेला का आयोजन है। 8, 9 और 10 ये 3 दिन जो है मेला यहाँ रहता है। 10 तारीख को ये आखिरी चरण पे रहता है और समाप्ति हो जाती है। और कल तो सुबह प्रातः 5 बजे से ही जो पूजा अर्चना प्रारंभ होगा, भक्तों का दिन भर उपवास रहना, भगवान शंकर के प्रति जो है भक्ति वो सब लगा रहता है। तो मैं शिवधाम परिवार की तरफ से और मैं अपने सभी भक्तों को शुभकामना दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए शिवरात्रि में, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करें और भगवान शिव की कृपा लें, आशीर्वाद लें। और यही मैं कामना करूंगा नगरवासियों से और खूब खूब मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ आप सभी लोगों का कि जो लोग आएँ और भगवान शिव की कृपा प्रसाद लें। विशेषता में तो यही मेला का है, मेला यहाँ पे खूब धूमधाम से लगा, बच्चों के लिए झूला इत्यादि है और मेला में खरीदारी तो प्रतिवर्ष होता है और इस वर्ष भी हो रहा है और बड़ी धूमधाम से हो रहा है, अच्छे ढंग से हो रहा है। विशेष आकर्षण हमारे पीछे की तरफ आप देख पाएंगे भगवान शिव की विशाल एक मूर्ति जो है, ये विशेष आकर्षण है हमारे यहाँ। और इस बार पार्क इत्यादि हम लोग सुंदर सजा के रखे हैं, जो भक्त लोग आते थे मेला में, जो लोग इधर उधर नहीं जा पाते थे वो सुंदर से कम उपवास रहते हैं, बिना खाए पिए पूजा करने आते हैं, वो आकर के शांति से बैठ सकेंगे, सिटिंग बेंच पे बैठ सकेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने पार्क को भी सुंदर ढंग से सजा के रखा है, ये विशेष आकर्षण हमारे यहाँ का।